निया शर्मा ने पान की दुकान के सामने फूक लिप पर किया डांस, फिर हो गई ट्रोल। निया शर्मा टीवी इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक हैं। अक्सर अपने बोल्ड फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहने वाली निया शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। निया एक हजारों में मेरी बहना है, नागिन, जमाए राजा जैसे कि हिट शोज में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद अब म्यूजिक वीडियोज में अपनी डांसिंग स्किल से फैंस का दिल जीतने की कोशिश में जुटी है। जल्दी ही निया का नया गाना फूकले रिलीज होने वाला है। ऐसे में निया भी अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो के प्रमोशन में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर अब निया शर्मा का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पान की दुकान में नजर आ रही हैं। निया पान की दुकान पर फूंक ले पर डांस करती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि निया जिस दुकान पर अपने म्यूजिक वीडियो के प्रमोशन पर पहुंची थी, उस दुकान का भी नाम फूंक ले ही है। वीडियो में निया को पिंक लहंगे में देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक्ट्रेस के फैंस को उनका अपने गाने के प्रमोशन का तरीका जरा भी नहीं भाया। कई उनके कपड़ों पर तो कई पान की दुकान पर गाने के प्रमोशन को लेकर एक्ट्रेस को निशाने पर ले रहा है और कमेंट के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहा है। निया शर्मा का यह गाना 10 जनवरी को रिलीज होने वाला है। हाल ही में निया ने अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो का पहला लुक फैंस के साथ शेयर किया था। इसके बाद उन्होंने BTS वीडियो भी शेयर किए और अब जब एक्ट्रेस का गाना रिलीज होने को है तो एक्ट्रेस के फैन भी काफी एक्साइटेड हैं। इससे पहले अभिनेत्री के म्यूजिक वीडियो दो घूंट ने भी फैंस के बीच खूब तहलका मचाया था। एक्ट्रेस का यह म्यूजिक वीडियो खूब पसंद किया गया था। दो घूंट में निया शर्मा ने अपने जबरदस्त डांस से फैंस को इम्प्रेस कर दिया था और अब एक बार फिर वो अपने लटकों झटकों से फैंस को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हैं।